आज आपके सामने बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, किसी अन्य बोर्ड में भी, जो आपका त्रिकोणमिति होता है क्लास 10 के लिए, उसमें एक पूरक कोण होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं उसको। इस टॉपिक पर पहले के वीडियो में पार्ट 1 करके हमने उसमें फॉर्मूला का सारा चीज एक जगह समेकित करके दिया था आपको। आज उस पर आधारित प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जिसमें 5 6 7 क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। इसी पे आधारित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा और सभी विषयों पर समान ध्यान दीजिएगा। अभी अभी आपका एग्जाम जो होगा 500 का एग्जाम होगा, एक अंग्रेजी भी होता है उसमें, उसका अंक तो उसमें नहीं जुड़ता है, लेकिन अंग्रेजी भी फोकस करना चाहिए उस पर। तो 5 सब्जेक्ट में पांचों सब्जेक्ट को लेकर चलिएगा, तब रिजल्ट बेहतर होगा। पास करना आपका उद्देश्य थोड़े ना है, पास करने के लिए तो कोई पास कर जाएगा। पास करना उद्देश्य नहीं रखिए, अपने उद्देश्य को ऊंचा रखिए कि लक्ष्य आपका 500 में 450 हो, उससे अधिक हो, इस टाइप का रखिए। इसके लिए आपको दो तीन चीजें ध्यान देनी है। इसके पहले हम थोड़ा चाहते हैं आपको फोकस करना। पहला चीज, रिवीजन पर फोकस कीजिए। रिवीजन, जो चीज पढ़े हुए हैं उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन। दूसरा चीज हो गया आपको, जो विषय आपका कमजोर है, जो विषय आपको लगता है कि इसमें हम कमजोर हैं, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। और तीसरा, तीसरा जो सब्जेक्ट है, तीसरा जो पॉइंट है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो रिवीजन और उसके बाद जो कमजोर विषय है उसको देखिए। और तीसरा भी क्या है, तीसरा में ये देखिए कि हमारा माइंड जो है एटीट्यूड वो पॉजिटिव है कि नहीं। यदि आपका माइंड, यदि आपका सोच पॉजिटिव है, तो आपका रिजल्ट आएगा अच्छा। मेहनत तो कर रहे हैं ना आप, मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच को रखिए। अगर यहाँ गड़बड़ है कि सोच आपका ये ऐसा लग रहा है कि हमारा तो 30 डिवीजन आएगा, ठेल ठेल करके 2nd डिवीजन आ जाएगा, तो आपका फिर यहाँ प्रॉब्लम्स है। इसको दुरुस्त कीजिए, एटीट्यूड को ठीक ठाक रखिए। हमेशा नेगेटिव एनर्जी को दूर रखिए, पॉजिटिवली आप सोचिए, रिजल्ट आपका एकदम बेहतर आएगा। कुछ भी नहीं है, तैयारी कीजिए, बढ़िया से पढ़िए और टाइम दीजिए। ये प्रिपरेशन का जो दौर है अभी, काफ़ी क्रिटिकल टाइम अब आ गया आप लोगों के लिए, तो इस पे आप लोगों को टाइम अधिक से अधिक देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आप आते हैं मूल सब्जेक्ट पर, जो आपका विषय है। यहाँ टॉपिक दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले इसके पहले हम एक दिन बता दिए थे आपको कि साइन आपका थीटा का पूरक कोण क्या होगा, कॉस थीटा होगा। फिर बताए थे कॉस थीटा का पूरक कोण क्या होगा, साइन थीटा होगा। फिर बताए थे टैन थीटा का पूरक कोण क्या होगा, कॉट थीटा होगा। फिर बताए थे कॉट थीटा का पूरक कोण क्या होगा, टैन थीटा होगा। सेक थीटा का पूरक कोण कॉसेक थीटा बताए थे, और कॉसेक का पूरक कोण क्या होगा, तो सेक थीटा। ये आप तो बता चुके थे। फिर ऐसा करके हम दिखाए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। ऐसा ऐसा था ना जी, ये सब हम फॉर्मूला आपके सामने चर्चा किए थे। अब इसमें हम एक एक क्वेश्चन लेकर के आपके सामने थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। अंतिम समय परीक्षा का तैयारी चल रहा है आप लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है cos 53 डिग्री बटा sin 37 डिग्री। देखिए ये प्रश्न सीधे पूछ लेगा ऐसा नहीं है, टाइप पकड़िए, टाइप, ये टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसमें हम बताए थे उस दिन, थोड़ा सा चर्चा हुआ था इसमें। इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिए, ये cos 53 है और sin 37 है, इन दोनों को जोड़िए। तो जोड़िएगा तो 7 3 10 का 0, 5 2 8 1 9, 90 हो रहा है ना जोड़ के। ये दोनों जोड़ करके कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो ये तो लग रहा है कि ये पूरक कोण है। क्या है पूरक कोण, दो कोण जोड़ दीजिएगा, दोनों जोड़ने के बाद 90 आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए पूरक कोण होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ एक ए लड़का है, यहाँ बी है, ए को मिलना है बी से और बी को मिलना है ए से। तो एक काम कीजिए, दो तरीका आपके पास है, एक को दौड़ा दीजिए बी के तरफ, बी को दीजिए ए के तरफ, ए जाएगा उधर, ए जाएगा इधर, मिलन अधूरा हो जाएगा, कभी मिलेगा ही नहीं। इसका तरीका क्या है कि ए और बी, तो बी को बोलिए कि आप यहाँ रुको, स्थिर रहो, स्थिर रहेगा आपका, और ए वाला यहाँ जाएगा तभी ना मिलन होगा। तो वैसा ही पैटर्न यहाँ भी करना है आपको, साइन या कॉस किसी एक को चेंज करना है, दूसरे जैसा आ जाएगा और उसके बाद कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए cos 53 है, हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस। अब cos 90 डिग्री माइनस क्या मतलब, cos 53 को लिखने का क्या तरीका है, 90 में से घटा करके लिखना है आपको। जैसे यहाँ लिखना है, मान लीजिए
कॉस 53, तो 90 में से क्या घटाएंगे कि 53 आएगा, वही यहाँ लिखेंगे। देखिए 53 का 53 आएगा यहाँ पर, लेकिन 90 में से घटा के, 90 में से क्या घटाएंगे 53 आएगा। तो अगर नहीं समझ में आता है तो 90 में से 53 घटाइए, माइनस की 10 आ जाएगा, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा आपका। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 8 में से 3, 37, ये आ गया आपका 37 डिग्री। अब बटा में जो है ना इसको सेम रखिएगा, तो साइन 37 डिग्री, ठीक है। ऊपर वाले को चेंज मिलना है भी, तो ये इधर इसके पास भागेगा, ये उसके पास भागेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है आपका, बनेगा ही नहीं प्रश्न। एक को स्थिर कीजिए, दूसरे को चेंज कीजिए, दूसरा का मान फाइनल कैसा आएगा तो नीचे वाले जैसे आ जाएगा, कट जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है जी, आपको बताया है पीछे के, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ कितना है जी, 37 डिग्री है, तो हो जाएगा साइन 37। कितना हो जाएगा, साइन 37 डिग्री। इसको चेंज कीजिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपका उपयोगी है, ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा, थीटा क्या है यहाँ 37 है, तो ये भी 37 हो जाएगा। जैसे कॉस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री बराबर साइन 37 डिग्री, ये तो कंफर्म हो गया आपको। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान, इसका मान हो जाएगा साइन 37 डिग्री। अब बटा में क्या है, पहले से साइन 37 पहले से है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, कट गया आपका। तो ध्यान देना है, ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो इसमें एक क्या रखना है कि किसी एक को चेंज करना है, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, और फिर कट कट जाएगा, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या आसानी से कट जाएगा। इसमें कभी कभी क्या करता है प्रश्न में, इसी में ये जो आपका क्वेश्चन हो गया, इसी में √2 ने कॉस 53 डिग्री बटा में कर देगा साइन 37 डिग्री, ऐसा कर देगा, तो ये फिर फाइनली तो कैंसिल हो जाएगा ना जी, तो ये √2 इसका बच जाएगा। ऐसा भी प्रश्न आता है, इसी संख्या में, इसी प्रश्न में √2 से, 1 से, 3, 5 कुछ से गुना कर देगा, और तो कितना आंसर होगा उसका, प्रश्न का कितना उत्तर होगा, कुछ नहीं करना है। ये तो आपको आ गया समझ में, जो बचेगा संख्या वही आंसर होगा। इसका आंसर को पूछा कितना होगा, तो √2 हो, क्या होगा, √2 होगा। तो समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, इस टाइप का प्रश्न, ये आपका हल हो गया। दूसरा साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, ऐसा है क्वेश्चन, साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। थोड़ा इन दोनों को उनको जोड़िए माइनस, तो 8 और 2 10 का 0 हाथ में, 5 और 3 8 1 9 90 हो रहा है, मैंने 38 डिग्री और 52 डिग्री जोड़ के क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। आपको पता है कि साइन का पूरक साइन थीटा का पूरक कोण कॉस थीटा होता है, कॉस का पूरक साइन थीटा होता है, और कोण जोड़ के 90 हो जा रहा है, तो एक कट जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। फिर काम कीजिए, इसे भी वही करना है, किसी एक को चेंज कीजिए, इसको हम नहीं चेंज कर रहे, इसको चेंज कर रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, 90 में से हम 52 घटाएंगे तब 38 आएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 90 में से सूत्र क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री क्या होगा, तो कॉस 52 डिग्री होगा। कितना होगा, साइन 90 माइनस 90 माइनस 52 डिग्री बराबर कॉस 52 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ साइन 90 माइनस 52 है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कॉस 52 डिग्री, और माइनस वाले से आपका लिखा हुआ है कॉस 52 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों, ये प्लस में है, ये माइनस में, कट के 1 आ जाएगा, ये भी आपका सॉल्व हो गया। देखिए ये आपका साइन का अपोजिट यहाँ हो गया, पूरक कोण कॉस, और मान जोड़ के देख लीजिए 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये भी आपका प्रश्न बन गया। उसके बाद आते हैं इस पर, फिर तीसरा प्रश्न लिखते हैं, ये वाला प्रश्न इसमें है, इसमें आपका कॉस, तीसरा प्रश्न है कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ये आपका प्रश्न है। फिर एक काम कीजिए, स्क्वायर से ना घबराइए, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, सिर पर 1 किलो बोझ लीजिए या चाहे 2 किलो बोझ लीजिए, कुछ अंतर पड़ने वाला उसे है थोड़े, वैसे ही बनेगा, सेम बनेगा। तो कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 23 डिग्री, काम कीजिए, इसको जोड़ लीजिए मन में, तो 7 और 3 10 का 0, 6 और 2 8 1 9 90 पूर्ण रहा है ना, तो वैसा ही पैटर्न पर ही बनेगा। किसी एक को चेंज कीजिए, यहाँ आपका कॉस स्क्वायर 67 डिग्री
डिग्री हो गया, अब इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करते हैं साइन स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 में से क्या घटाएंगे, स्क्वायर नहीं करिएगा इसको, कोस्ट में जो 90 माइनस होगा कुछ वो सिंपल ही होगा, स्क्वायर के फिर मत पड़िएगा। तो 90 में से कितना घटाएंगे 23 आएगा, तो 67 घटाएंगे, 90 में से 67 डिग्री घटाएंगे तो 23 आएगा, तो हो जाएगा आपका। देखिए क्या लिख रहे हैं समझिए, ये 23 है ना, घटाने के बाद भी क्या आएगा 23 ही आएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ नहीं आएगा, ये 23 लिखे है ना, तो यहाँ 23 रहना चाहिए मान, मान 23 रहना चाहिए, तो 23 था कि नहीं, 90 से 67 घटाओ 23 आ जाएगा, सेम मान रहना चाहिए, मान नहीं रहना चाहिए। लेकिन जैसे आप ऐसे लिखिएगा ये फॉर्मूला चेंज हो गया, 2 रुपया किसी को दे दिए हैं, 2000 दे दिए हैं, देने के लेते समय आसानी से हाँ दे दीजिए आपको काम है, अच्छा मांग जाइएगा तो कहें बाँह गुरे रहेगा, अभी नहीं देंगे तुमको। वही स्थिति यहाँ पर भी है, जैसे ही 23 को ऐसे लिखिएगा अब यहाँ गुरे देगा, अपने रुपये बदल दिया, अभी दूसरा फॉर्मूला का यूज अपना कर लेगा, चेंज कर लेगा अपने आपको, साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोलिए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 67 डिग्री, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 67। देखिए तो सेम सेम हो गया, बहादुर आप लोग एकदम घुट गया, इसका वाला आंसर आ गया, ये भी प्रश्न आपका हल हो गया, ये भी बना दीजिए। अब इसको आते हैं बनाते, चौथा क्वेश्चन ठीक है, इधर बनाते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाते हैं चौथा प्रश्न, बड़ा इजी है ये विषय, कुछ ऐसा टफ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग टफ है इसीलिए प्रॉब्लम होता है। हो गया tan 1 गुने tan 11 गुने tan 21 गुने 21 गुने tan 69 गुने tan 79 गुने tan 89 बराबर 1, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको 1 मंगाना है, क्या मंगाना है 1, इसमें क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए कोई वो चरण है 1 2 3 4 5 6 गो, कई बार 6 गो, इसमें देखिए कनेक्शन जोड़िए, तो यहाँ 1 है tan 1 है तो यहाँ tan 89 है, थोड़ा यहाँ हेल्प कर रहे हैं, यहाँ tan 1 है तो tan 89 है, देखिए दोनों जोड़ के 90 हो जाएगा, फिर यहाँ tan 11 है तो फिर यहाँ tan 79 है, ये भी जोड़ के 90 हो जाएगा, फिर यहाँ है tan आपका 21 है तो यहाँ पर tan 69 है, ये भी जो क्या आपका 90 हो जाएगा, ये करेक्शन है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए ये प्रश्न में ये आपको हेल्प करेगा, यहीं पे हेल्पिंग आपका स्टेप छुपा हुआ है जिसको हम सामने लाए हैं, tan 1 है, tan 1 और 89, 89 जोड़ेगा तो कितना होगा आपका 90 पुर जाएगा, 11 79 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा, 21 69 जोड़िएगा तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90। इसी पैटर्न पर हम इसको अब सॉल्व कर रहे हैं, देखिए क्या करेंगे, इसमें 3 को देखिए tan 1 tan 11 tan 21 इसको हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको चेंज कर रहे हैं, तो ये कॉट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बोलिए कॉट थीटा, तो tan 1 को हम चेंज करेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री होगा ना जी, होगा। दूसरा हो गया, इसको अब थोड़ा मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं, साफ रहेगा यहाँ पर। दूसरा हो गया tan आपका 11 है तो tan 90 डिग्री माइनस 11, ये वाला पैटर्न में है 79, देखिए 90 में से क्या घटाएंगे कि आपका 11 आ जाएगा, वही यहाँ लिखेंगे 90 में से क्या घटाएंगे कि एक आ जाएगा, तो सही तो लिख रहे हैं। और फिर एक तो आपका पैटर्न है, हाँ आपका है कि tan, इसको यहाँ लिखते हैं ठीक है, गुना करके tan, तीसरा स्टेप ये वाला स्टेप tan 21 लिखना है, क्या लिखना है tan 21, तो कितना लिखेंगे tan 21 है तो इसका कितना है पूरक कोण, तो हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 69 डिग्री हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोग गुना कर दीजिए जो है ना पीछे, तीन को चेंज करना है, देखिए 1 2 3 ये तीन को चेंज करना है, तीन को ऐसे ही छोड़ देना है, तो हो जाएगा आपका tan 69 गुने tan 79 गुने tan 89। अब यहाँ क्वेश्चन से आते हैं कि इसमें क्या होगा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा हो जाएगा, तो ये लिखिए यहाँ पर cot कितना होगा 89, कितना होगा cot 89 हो जाएगा, ये कितना होगा आपका ये हो जाएगा cot 79 हो जाएगा, ये कितना होगा आपका तो हो जाएगा cot 69 हो जाएगा, और गुना आपका ये तीनों जो है ना पीछे पिछला लोगों को लिख दीजिए ऐसा ही 69 गुने tan
79 गुने 10 89। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है इसको सॉल्व करना है, इसको हम साफ करते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या इसका प्रॉब्लम का हल हो रहा है। तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, देखिए क्या करना है इसमें, इसमें करना है यहाँ पर जो आपका आया अभी तक में कॉट 89 गुने कॉट 79 गुने कॉट कितना आया 69 गुने 10 10 कितना आया 10 आपका 69 गुने 10 79 गुने 10 89 यही ना है जी। अब देखिए क्या होता है, कॉट को हम अगर इसको बदलेंगे आंसर वाला सिस्टम में तो कॉट का उल्टा 10 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/10 89 लिखेंगे ना जी, यहाँ कॉट का ऑपोजिट फिर हो गया 10 79, इसका हो गया 1/10 69। तीनों को ना चेंज करना था, अब बाकी सब ऐसे लिख दिए 10 69 गुने 10 79 गुने 10 89। ध्यान से देखिए यहाँ सब कटेगा, ये 89 है 10 89 हर में है और यहाँ से है तो कैंसिल हो गया, ये 10 79 है और 10 79 है कट कट गया, ये भी आपका इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आया क्या बचा 1 बचा, ये आपका आ गया 1, कितना आ गया आंसर 1। ध्यान दीजिएगा इसमें ऐसे प्रश्नों में गिन लीजिएगा कितना है, कभी कभी गैप वाला भी क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा अलग ढंग का बनेगा क्वेश्चन, ये गिन लीजिएगा कितना है 6 है 8 है, तो आप माइंड में रखिएगा किसको किसको जोड़ के 90 हो रहा है, उसमें से अगर 8 है तो 4 को आगे को चेंज कर दीजिए तो वो उसका अपोजिट आ जाएगा, फिर बटा में कर दीजिए कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद यहाँ बना हुआ है ठीक है। अब आते हैं इस पे साइन वाला पर, इसको मिटाते हैं, जल्दी कीजिए इसको, जल्दी जल्दी समझिए। अब यहाँ क्वेश्चन आता है 5 नंबर, साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है, ऐसा सीधे करें कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें कुछ नहीं होता, एक त्रिभुज ले लीजिएगा, ये है बी ए सी है, मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, इसी पैटर्न पर काम करना है। क्या करना है इसमें, देखिए एल एच एस ये है ये आर एच एस है, बाया पक्ष है तो ऐसा पहले मंगाइएगा बी प्लस सी, फिर बी प्लस सी बाई टू मंगाइएगा, फिर उसके आगे साइन लगाइएगा, जो काम इधर कीजिएगा वो उधर भी होगा ठीक है। इसको ऐसे हम करते हैं, देखिए चूंकि ए प्लस बी प्लस सी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए देखिए यहाँ पर क्या है बी प्लस सी है एल एच एस में, एल एच एस से आर एच एस मंगा देंगे हम, तो यहाँ बी प्लस सी ऐसे रखिएगा बाई टू कीजिएगा, तो इधर क्या होगा 180 माइनस ए हो जाएगा ना, घट जाएगा इधर चला जाएगा उधर। अब क्या होगा बी प्लस सी क्या क्या लगाए हैं, साइन लगाए हैं, यहाँ भी लगाएंगे साइन बी प्लस सी बाई टू, तो इधर साइन लगाइएगा तो उधर साइन लगाइएगा, साइन 180 डिग्री यहाँ पहले ही यहाँ बटा में दो लगा है ना बी प्लस सी बाई टू, तो 180 माइनस ए बाई टू यहाँ कर दीजिएगा, 180 माइनस ए बाई टू ऐसा हो गया पैटर्न आपका। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ इसको ऐसे रह दीजिए साइन बी प्लस सी बाई टू, ये आपका पैटर्न आ गया ऐसे ही ना मंगा था एलएचएस में, साइन बी प्लस सी बाई टू तो हाथ हो गया। अब इसमें कुछ आपको काम करना है, हेरा फेरी करना है, साइन इसको ऐसे लिखिए 180 डिग्री बाई टू माइनस ए बाई टू, ये तो हो सकता है ना, समझ आ रहा है ना, ये जो दो है ना हर में 180 के बटा में भी है और ए के बटा में भी है, इसको ये ऐसे भी है और ऐसे भी है, दोनों के बटा में ही आता है, तो इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसको यहाँ आते हैं आप, जगह नहीं है स्पेस वहाँ कम है, तो फिर हो जाएगा आपका साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई टू। ध्यान दीजिए अब यहाँ एक फॉर्मूला आ गया आपके सामने, साइन 90 माइनस सी बाई टू क्या होगा, इसका क्या होता है फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा होता है जी, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको कॉस में लिखिएगा, कॉस कितना होगा तो सी बाई टू होगा, थीटा ये जो थीटा रहता वही ना यहाँ आता है, जो यहाँ थीटा रहता वही ना यहाँ आएगा, तो यहाँ थीटा के ऊपर क्या है सी बाई टू है, तो सी बाई टू होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन कॉस थीटा, थीटा क्या होगा सी बाई टू, देखिए तो प्रूफ हो गया, साइन बी प्लस सी बाई टू से चले थे, मंगाना था कौन जी कॉस ए बाई टू, सॉरी ए बाई टू ना मंगाना था जी, ये लिखिए यहाँ मिसिंग हो गया थोड़ा सा, इसको ए लिखिएगा, ये
ये लिखेगा यहाँ पर ए हो गया, कहा गया कौन से बाई टू, प्रूफ हो गया। क्या करना है ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में तीनों को जोड़ के 180 कीजिएगा, इसमें दो को जो एल एच एस में पूछ रहा है उसको साइड कीजिएगा, तीसरा को घटा दीजिएगा और दोनों में दो से भाग दीजिएगा, और जो साइन इसके आगे लगाया है साइन होगा तो साइन दोनों में लगा दीजिएगा, और साइन का अपोजिट यहाँ कॉस आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब आते हैं, ये प्रश्न बन गया, दो क्वेश्चन बचते हुए हैं, थोड़ा फटाफट कीजिए, इसको मिटाइए, इसको लिख ले लीजिए, अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब आपका ये आता है प्रश्न सिक्स, छठा क्वेश्चन आता है, क्या इसमें, यदि साइन टू ए कह रहा है, यदि साइन टू ए बराबर कॉस ए माइनस 30 डिग्री, तो ए का मान निकालें, यहाँ ए न्यून कोण होगा, देता है क्वेश्चन में साथ में भी दे देगा कि ए जहाँ ए न्यून कोण है, साइन टू ए बराबर कॉस ए माइनस 30 डिग्री, तो ए का मान क्या, इसका क्या कीजिएगा, इसका कैसे बनेगा क्वेश्चन, ही इसमें भी वही कन्वर्ट करना है कोई एगो को, चूंकि साइन टू ए बराबर कॉस ए माइनस 30 डिग्री, ठीक है, किसी एक कोई पक्ष को चेंज कर दीजिए, जो पक्ष मन करता है, साइन टू ए लिखना है आपको, तो साइन टू ए का क्या होगा, पूरक बनेगा तो 90 डिग्री माइनस का कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आपका टू ए, इसको ऐसे कीजिए, साइन को चेंज कर देना है हमको कॉस में, या कॉस को चेंज कर देना है साइन में, तो काम करते हैं हम इसको, साइन को चेंज, साइन टू ए मंगाना है हमको, तो क्या लिखेंगे इसके ऊपर हम, इसके इसको मंगाने के लिए क्या तरीका है, साइन टू ए तो कॉस में हम जाएंगे, तो हो जाएगा इसका कॉस 90 डिग्री माइनस टू ए, इसको लिख सकते हो, लॉजिक समझिए आप, साइन टू ए कैसे आएगा, तो कॉस 90 माइनस टू ए कीजिएगा तब ना, आपको तो बताया है ना कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आएगा साइन थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस टू ए तो क्या आएगा साइन टू ए आएगा ना जी, सर देखिए तो इसी पैटर्न पर, तो साइन टू ए लिखे या चाहे कॉस 90 माइनस टू ए लिखे, क्या अंतर पड़ने वाला है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख दिए, इसको नहीं चेंज करेंगे, ये पक्ष ऐसे ही रहेगा कॉस ए माइनस 30 डिग्री, अब देखिए यहाँ भी कॉस है, ये भी कॉस है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस टू ए, 90 डिग्री माइनस टू ए बराबर होगा ए माइनस 30 डिग्री, ठीक है, इसको अब क्या कीजिएगा, ए को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, ठीक है, यहाँ ए है ये जाएगा उधर तो जुट जाएगा 2a, तो कितना होगा 9 × 3 = 120 डिग्री बराबर का होगा 3a, यहाँ सब डिग्री लगा सकते हैं हमें, इसलिए का मान कितना होगा 120 में आप भाग दीजिए, ए का मान निकालना है, तो यहाँ भी आप एक काम कीजिए, यहाँ भी 3 से भाग दे दीजिए, यहाँ भी 3 से भाग दीजिए, कैंसिल हो गया, तो ए का मान कितना होगा 4 × 3 = 12, तो 40 डिग्री, कितना होगा 40 डिग्री, कितना आ गया ए का मान 40 डिग्री, क्या किया यहाँ पर, ये प्रश्न में आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, यहाँ पे साइन टू ए को सर कैसे लिख दिए, कॉस 9 माइनस 2 ए क्यों नहीं लिखेंगे, अब यहाँ देखिएगा साइन टू ए कैसे आया है, घबराइए नहीं, आपके सामने थाली में भोजन आ गया, सीधे खा लेते हैं, चला गया अंदर, ऐसे थोड़ा ना होता है, कैसे बना, माँ बनाई होंगी, बहन बनाई होंगी, क्या 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 प्रॉब्लम उसमें आया होगा, उसको देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन टू ए कैसे आता है, इसके रूप में कॉस के रूप में लिखना है, तो साइन टू ए मंगाने का क्या तरीका है, कॉस 9 माइनस 2 ए कीजिएगा तब ना साइन टू ए आ जाएगा, आ गया तो सेम हो गया तो कट गया, उसके बाद आप कौन को एक जगह ले जाइए, इसको ए को एक जगह ले जाइए, जाति में जाति को सेम में मिलाना है ना जी, तो ए वाला इधर आएगा 9 वाला उधर जाएगा, चाहे ए वाला उधर जाएगा 9 30 वाला इधर आएगा, कौन एक तरफ कीजिए, कर दिए तो कट के आ गया 40 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री, 9 × 3 = 120 × 4 = 12 कट के आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये ऐसे बनेगा क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन है, एक और बचा है टाइप, इसको मिटाते हैं ऊपर वाले को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब यहाँ प्रश्न ये आता है, अंतिम आपका क्वेश्चन इसमें आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ इस यहाँ आता है कि निम्न को कह रहा है कि निम्न को 0 डिग्री और 45 डिग्री के 45 डिग्री के कोणों के रूप में दिखाइए, कोणों के रूप में दिखाए, ठीक है दिखाए, इसको भी जाते हैं,
निम्न को 0 और 45 के कोण के रूप में दिखाना है। जैसे क्वेश्चन है आपका ए, मान लीजिए साइन 67 डिग्री अब प्लस हो जाएगा कोस 75, कोस 75 डिग्री। इसको काटना वटना नहीं, ऐसे नहीं कन्वर्ट करना है इसको, इसको दोनों को कोण को ऐसा कर देना है ना कि 0 और 45 के बीच में इसका आंसर आ जाए, कोण का मान। तो कोई बात, दोनों को चेंज करेंगे, ठीक है। साइन आपका 67 है ना, तो इसको क्या कीजिएगा, 90 डिग्री माइनस कितना घटाइएगा कि 67 आएगा, तो आप 23 घटा दीजिए, 23 डिग्री तब ना 67 आएगा, ये भी 67 और ये भी 67, इसको चेंज कीजिए। कॉस 75 मंगाना आपको, तो इसको 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री कर दीजिए, ये भी आपका 75, ये भी 75। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा मिटाने दीजिए, अब क्या होगा जी, अब कुछ नहीं इसमें। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये तो बताया आपको। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोलिए, कॉस थीटा। यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा, तो आपको पता है पहले से। इसको हम इसको थोड़ा हेल्प वाला टर्म करते हैं, इसको लिखना आवश्यक नहीं है, घेर देते हैं यहाँ हेल्पिंग के लिए। अब ये क्या होगा, साइन 90 माइनस 23 डिग्री, तो क्या होगा कॉस 23 हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस 15 डिग्री तो क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब जो मान आया आपके सामने, अब जो आपके सामने जो आपका एंगल आया इसका, ये 23 है और 15 है, तो 0 और 45 के बीच में नहीं है जी, है ये है, ये तो दिख जाएगा, किसी को दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो प्रॉब्लम है, इलाज कराना पड़ेगा आँख का। अगर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया है, रिजल्ट भी दिखेगा आपका। तो कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, तो ये 0 45 के बीच में आ गया, जो कहता था वो कर दिए। मैथ भारी विषय नहीं है, मैथ को मास से बनाया जाता है, ब्रेन का विषय है, ब्रेन से सोचिए सब बन जाएगा एकदम आसान है। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसको बढ़िया से देखिएगा। अगले वीडियो में इसके आगे का चैप्टर हम सॉल्व करेंगे। यदि सब सही रहा, अच्छा लगे आपको, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चैनल पे, बाकी क्या करना है।